यस फ्रेंड्स, हम लोग नोमेनक्लेचर सीख रहे हैं और कार्बन कंपाउंड के नोमेनक्लेचर में अभी तक हम लोगों ने जाना है अल्कोहल का नोमेनक्लेचर और हाइड्रोजन ग्रुप का नोमेनक्लेचर। आज हम बात करेंगे एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इन तीनों का नोमेनक्लेचर हम लोग अभी नोमेनक्लेचर सिंपल सीख रहे हैं, स्टेट चेन की बात कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग ब्रांच्ड चेन, साइक्लिक चेन की बात करेंगे तथा इसके बाद हम लोग आइसोमेरिज्म की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं, हमने पहले कहा था कि ये जो तीनों ग्रुप हैं इन तीनों में डबल बॉन्ड होता है, और हमने पहले कहा था कि यदि डबल बॉन्ड दो कार्बन एटम के बीच हो तो वो एल्कीन का होगा, किंतु कार्बन किसी और के साथ डबल बॉन्ड बनाता है, जैसे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड ही बनाएगा, क्योंकि कार्बन के को बॉन्ड बनाने के लिए उसे दो इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और बॉन्डिंग के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसीलिए कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा। तो अगर कार्बन कार्बन के बीच के डबल बॉन्ड को छोड़कर कहीं और डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो समझ लीजिए फंक्शनल ग्रुप का है। तो सबसे पहले हम देखेंगे एल्डिहाइड यानी सी डबल बॉन्ड को एच। ये एल्डिहाइड है, और अगर ऐसा हो तो नाम के का सफिक्स बनेगा अल, नाम का सफिक्स बनेगा अल। चलिए प्रैक्टिस करते हैं, लेट्स प्रैक्टिस। हमें दिया हुआ है ये चेन, और एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये ग्रुप टर्मिनल होगा, बीच में नहीं, या तो स्टार्ट में या लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में ही रहेगा, ये बीच में नहीं हो सकता है। रीजन, बीच में कार्बन के दो बॉन्ड बने हुए हैं और ये ग्रुप वहीं बनेगा जहां पर कम से कम तीन और बॉन्ड चाहिए, और कार्बन के थ्री बॉन्ड टर्मिनल एंड पर ही होते हैं, इसीलिए कहा जा सकता है कि एल्डिहाइड की सीधा पहचान है ओ और एच टर्मिनल एंड पर होंगे। आगे की क्लासेस में अगर मोलिकुलर फार्मूला हो तो उसमें पहचानेंगे कैसे कि एल्डिहाइड है या अल्कोहल है। नोमेनक्लेचर के पहले कार्बन गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है। 6 कार्बन पर क्या था, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स। 6 पर क्या है, फिर से देखिए, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट और हेक्स। 6 नंबर पर आ गया हेक्स, यहां लिख दिए एच ई एक्स हेक्स। अब उसके बाद देखिए सी सी के बीच कौन सा बॉन्ड है, तो हमें सारे सी के बाद साथ सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, और सिंगल बॉन्ड है इसीलिए ए एम। और अब देखिए टर्मिनल इन पर क्या है, सी ओ एच, यानी है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है तो इसमें क्या जुटेगा, यानी इसका नाम हो गया हेक्सेनल, हेक्सेनल, राइट, क्लियर। चलिए अगला देखते हैं, इनका नोमेनक्लेचर देखिए, कार्बन कितने हैं काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कार्बन पर क्या हो गया, ऑफ, 8 कार्बन है इसलिए हो गया ऑफ, 8 कार्बन के साथ ऑफ। अब सी के बीच के बॉन्ड को देखें,
सी के बीच अगर केवल सिंगल बॉन्ड होता तो एन। देखिए सी के अतिरिक्त और कोई बॉन्ड है तो यहाँ हमें दिख रहा है दो सी के बीच डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड दिख रहा है। तो हमने पहले कहा था अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगता है, डबल बॉन्ड के लिए इन, तो यहां लग गया इन। और कोई फंक्शनल ग्रुप है तो यहां हमें ये फंक्शनल ग्रुप दिखा सी ओ एच, और ये फंक्शनल ग्रुप किसका है एल्डिहाइड का, और एल्डिहाइड के साथ क्या लगाते हैं अल, यानी इसका नाम हो गया ऑक्टिनल। फिर से समझ लीजिए, इनके पास आठ कार्बन था, आठ कार्बन के लिए ऑक्ट, डबल बॉन्ड आ गया इन, और फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड है तो अल, यानी इनका नाम हो गया ऑक्टिनल। आगे देखते हैं, यहाँ आ जाए, देखिए इसका नाम लिखे, मैंने सिंपल सा लिख लिया है अभी। कार्बन गिरिए सबसे पहले, इस नोमेनक्लेचर में सबसे पहले कार्बन गिरना है, फर्स्ट का, और कुछ नहीं करना, सबसे पहले कार्बन, उसके बाद बॉन्ड देखिए, उसके बाद फंक्शन ग्रुप देखिए, ध्यान रखिएगा सीरीज। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन, चेन में कितने कार्बन है वो देखना है, उसके बाद बॉन्ड देखना है कौन सा है, कहीं मल्टीपल बॉन्ड तो नहीं है, और लास्ट में देखना है फंक्शन ग्रुप कौन सा है। चलिए कार्बन गिरिए, 1 2 3 4, फोर कार्बन तो क्या हो गया मेथ एथ प्रो ब्यूट, फोर पर आ गया ब्यूट। बॉन्ड देखिए तो हमें यहां पर बॉन्ड दिख रहा है, कौन सा बॉन्ड है ये ट्रिपल बॉन्ड, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या लगता है आई, लग दीजिए आई। फंक्शनल ग्रुप देखिए तो ये फंक्शनल ग्रुप कौन सा है सी ओ एच एल्डिहाइड का है, और एल्डिहाइड के साथ क्या लगेगा अल, यानी ये हो गया नाम ब्यूटाइनल। क्लियर, चलिए इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, हम अभी स्लो इसलिए चल रहे हैं सो दैट प्रैक्टिस कर ले और अच्छी तरह से समझ में आ जाए, ये नहीं कि फटाफट फटाफट फास्ट भागते जाए, आधा समझ में आया और आधा नहीं है। ध्यान से इसको वीडियो को देखिए, पॉज कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। हमने चार कार्बन लिया है, पांच कार्बन, छह कार्बन, आठ कार्बन, नौ कार्बन, दस कार्बन तक जाइए, दो कार्बन का बनाइए, राइट। अब हम बात करेंगे कीटोन की, कीटोन में केवल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, ये है कीटोन। अगर कीटोन ग्रुप हो तो नोमेनक्लेचर में सफिक्स जुटेगा और, कीटोन ऑन, राइट। चलिए आगे देखते हैं चेन, 1 2 3 4 5 6, चलिए कार्बन हो गया, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया। हाँ ये ध्यान रखिएगा कि कीटोन कहीं भी हो सकता है, जनरली टर्मिनल एंड पर नहीं होगा, अगर ये टर्मिनल एंड पर हो जाएगा तो वो कीटोन न होकर वो एल्डिहाइड बन जाएगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन जुटेगा ही जुटेगा। डीजल कार्बन को चार सिंगल बॉन्ड चाहिए, चाहे वो सिंगल बॉन्ड किसी भी तरह से मिले, तो एल्डिहाइड और कीटोन का स्ट्रक्चर में कुछ समझ में आ रहा है डिफरेंस क्या है, कि अगर डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन चेन में बीच में कहीं पर हो तो वो कीटोन होगा, और अगर लास्ट में हो तो वो एल्डिहाइड होगा, और यदि एच के जगह पर ओएच आ गया तो वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। चलिए नाम लिखे, पहले क्या कार्बन गिने, 1 2 3 4 5 6 7, सेवन कार्बन पर क्या हो गया मेथ एथ प्रो ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट, सेवन कार्बन पर क्या है हेप्ट। आप देखिए बॉन्ड सी सी के बीच का बॉन्ड देखिए, सारे सी के बीच
कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है तो फंक्शनल ग्रुप है। ये देखिए यहाँ फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये फंक्शनल ग्रुप किसी का है, कीटोन का, कीटोन है तो इसमें क्या लग जाएगा, ओन, यानी क्या है ये, हेप्टेनॉन। आगे देखते हैं अगला स्ट्रक्चर लेते हैं, इनका नाम लिखते हैं, गिनिए कार्बन पहले कितने, 1 2 3 4, 4 कार्बन को क्या हो गया, बॉन्ड देखिए मल्टीपल बॉन्डिंग है, कौन सा बॉन्ड है ये, डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या लगेगा, इन, डबल बॉन्ड है तो इन, फंक्शनल ग्रुप कौन सा, कीटोन, कीटोन है तो क्या लगेगा, ओन, यानी क्या हो गया, ब्यूटीनोन। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ट्रिपल बॉन्ड, देखते हैं पहले क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेज में कार्बन काउंट करना है, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन पर हैक्स, याद हो गया, हैक्स, ठीक है। बॉन्ड देखिए कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड पर आयन, और फंक्शनल ग्रुप क्या, कीटोन का तो ओन, इसका नाम हो गया हेक्साइनोन। आई एम रिपीटिंग अगेन, 6 कार्बन है तो हेक्स, ट्रिपल बॉन्ड आ गया आयन, और कीटोन आ गया तो ओम, हेक्साइन। 10th लेवल तक का लास्ट फंक्शनल ग्रुप देखते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH होता है, एल्डिहाइड में COH, कार्बोक्सिलिक एसिड में COOH, डबल बॉन्ड के साथ O और सिंगल बॉन्ड के साथ OH। ये अगर ये कहीं दिख जाए आपको टर्मिनल एंड पर, तो ये हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये टर्मिनल एंड पर ही रहेगा, या तो स्टार्ट में लेफ्ट में या फिर राइट में रहेगा, बीच में नहीं हो सकता है। अगर ये है तो नाम के लास्ट में हम जोड़ेंगे ओइक एसिड। चलिए स्टार्ट करें, नॉमिनक्लेट करते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 हाइड्रोजन कार्बन है, 6 के लिए क्या आ गया, हेक्स, 6 कार्बन है तो हेक्स, सारे सी के बीच सिंगल बॉन्ड है इसलिए एन, और यहां पर ये फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये फंक्शनल ग्रुप क्या रिप्रेजेंट करता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो उसमें क्या जोड़ेंगे, ओइक एसिड, यानी इनका नाम हो गया हेक्सेनोइक एसिड। नेक्स्ट लेते हैं, इनका देख ले कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन पर क्या हो गया, मेथ एथ प्रो, 3 कार्बन पे आ गया प्रो, बॉन्ड देखिए इस दो सी के बीच डबल बॉन्ड आ गया, डबल बॉन्ड है तो क्या लगाएगा,
तीन, और फंक्शन ग्रुप कौन सा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड है तो क्या लगाएंगे? ओएच एसिड। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। नोमेनक्लेचर का फर्स्ट स्टेज, काउंटिंग नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन पर हैप्ट, 7 कार्बन है तो हैप्ट। बॉन्ड देखिए, मल्टीपल बॉन्डिंग, यस ट्रिपल बॉन्ड, आइन। फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड, देन ओइक एसिड। सिंपल सा स्टेज ध्यान में रखिएगा। फर्स्ट इसे हम लोग अभी तक क्या सीखे नोमेनक्लेचर का, स्टेप्स ऑफ नोमेनक्लेचर हम क्या सीखे, उसके बाद अभी बात करेंगे। यहां तक जो हम सीखे हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है? काउंट नंबर ऑफ कार्बन ऑफ सी एटम, फर्स्ट स्टेज काउंट नंबर ऑफ सी एटम। सेकेंड स्टेज चेक फॉर मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्ड, उसके बाद मल्टीपल बॉन्डिंग की बात करनी है, एंड फाइनली चेक फॉर फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप सबसे लास्ट में देखना है। क्लियर? ये सीरीज है। सबसे पहले क्या करना है? कार्बन गिनना है, कितने कार्बन है। जैसे यहाँ 6 7 कार्बन था, हेप्ट लगा दिए। बॉन्ड देखिए, मल्टीपल बॉन्डिंग, ट्रिपल बॉन्ड था तो आयन लगा दिए। फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड था तो ओइक एसिड लगा दिए। दिस इज द सीरीज ऑफ नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड। ये हम अभी तक बात किए थे स्ट्रेट चेन की। स्ट्रेट चेन में हम लोग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप देखे, और अभी जो हम देखे हैं सब में सिंगल मल्टीपल बॉन्डिंग है। अब हम 10th क्लास में सिंगल मल्टीपल बॉन्डिंग का केस आएगा, सिंगल फंक्शनल ग्रुप का केस आएगा, डबल मल्टीपल बॉन्डिंग नहीं आएगा, डबल फंक्शनल ग्रुप नहीं आएगा। लेकिन फिर भी हम लेटर ऑन क्लासेस में देखेंगे, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि 10th और 12th के बीच के नोमेनक्लेचर का जो गैप है उसको पूरा करें, इसीलिए इसको कुछ एडवांस आगे पढ़ेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट मोर एंड मोर वीडियोज, बिकॉज वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड यू वीडियोज इन ईजिएस्ट वे, सो दैट देयर इज नो गैप बिटवीन you and your success.